पर पानी फिर गया। और गुजरात के दाहोद में एक मालगाड़ी के बेपटरी होने से दिल्ली मुंबई रेल लाइन पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। बताया जा रहा है कि रविवार की रात लगभग 1 बजे मंगल मौड़ी और लिमखेड़ा स्टेशन के बीच से गुजर रही मालगाड़ी गुजरात के दाहोद के पास पटरी से उतर गई। उसके 16 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसके बाद रेलवे के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए। इस हादसे से दिल्ली मुंबई रूट पर 90 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, 38 यात्री ट्रेनें निरस्त हुई हैं और 51 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। फिलहाल मालगाड़ी के डिब्बे हटाने और ट्रैक सुधारने का काम जारी है। राजस्थान के टोंक जिले से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक ट्रक टोल प्लाजा पर लगे बैरियर को तोड़कर भागता दिखा, जिसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वहां टोल प्लाजा पर बना केबिन भी टूटकर चकनाचूर हो गया। सामने आए सीसीटीवी वीडियो में दिखा कि कैसे बैरियर लगे होने के बाद भी ट्रक नहीं रुका। बताया गया कि ट्रक ड्राइवर ने पहले पुलिस की नाकेबंदी तोड़ी और फिर टोल प्लाजा के बैरियर को तोड़ते हुए भाग गया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। ड्रग्स तस्करी के मामले में दिल्ली में 2 विदेशी धरे गए। दिल्ली के द्वारका इलाके में पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के आरोप में 2 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उनके पास से 1 करोड़ से ज्यादा के ड्रग्स भी बरामद करने का दावा किया गया। महाराष्ट्र के नासिक में मामूली विवाद में नदी के बीच में ही 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई। दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के आरोप में एक मॉडल और उसकी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। भारत और चीन के बीच हुई 16वें दौर की कोर कमांडर लेवल की बातचीत एक बार फिर से बेनतीजा रही है। ये बातचीत पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद पर जारी गतिरोध को सुलझाने के लिए हुई थी। रविवार को करीब 12 घंटे से ज्यादा समय तक बातचीत चली, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला जिससे गतिरोध को कम किया जा सके। हालांकि दोनों देशों के बीच इन मुद्दों का जल्द से जल्द समाधान निकालने के लिए बातचीत को जारी रखने पर सहमति जरूर बन गई है। रविवार को भी बातचीत मैं भारत की तरफ से पेट्रोलिंग पॉइंट 15 जिले का डेपसांग और डेमचौक तक का सभी पूरा मसला उठाया गया। श्रीलंका छोड़कर भागे गोटाबाया राजपक्षे को सिंगापुर ने भी भगाने की तैयारी कर ली है। श्रीलंका के लोगों को भूखों मरने के लिए छोड़कर गोटाबाया मालदीव चले गए थे, लेकिन विरोध की वजह से उन्हें मालदीव छोड़ना पड़ा था। उनके भागने की वजह से ही श्रीलंका के लोगों पर खून सवार हो गया था। वो पुलिस की गोलियां तक खाने को तैयार थे। राजपक्षे परिवार की दगाबाजी ने श्रीलंका में ऐसी आग लगाई है जिसे बुझाना मुश्किल लग रहा है। इस बीच खबर आ रही है कि देश छोड़कर भागे गोटाबाया दर दर भटक रहे हैं। वो पहले मालदीव और फिर सिंगापुर पहुंचे, लेकिन वहां रहना भी उनके नसीब में नहीं था, क्योंकि खबर है कि सिंगापुर ने गोटाबाया राजपक्षे से देश छोड़ने को कहा है। सिंगापुर प्रशासन ने कड़े शब्दों में बोला कि गोटाबाया को सिंगापुर में रहने के लिए मिली 15 दिन की छूट को नहीं बढ़ाया जा सकता। यानी जैसे ही गोटाबाया को सिंगापुर पहुंचे 15 दिन पूरे होंगे, उन्हें वहां से निकाल दिया जाएगा। माना जा रहा है कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि गोटाबाया पर श्रीलंका में कई केस चल रहे हैं, जिसकी वजह से सिंगापुर उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। खबर है कि इससे पहले सिंगापुर प्रशासन ने उन्हें शरण देने से इनकार कर दिया था, लेकिन मालदीव से भगाए गए गोटाबाया की मिन्नतों पर उन्हें 15 दिन के लिए सिंगापुर में रहने की इजाजत मिली थी। हालांकि सिंगापुर के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया था कि न तो गोटाबाया ने शरण मांगी और न ही उन्हें कोई शरण दी गई। यानी मालदीव के बाद सिंगापुर ने भी उनसे किनारा कर लिया, या यूं कहें कि मौजूदा हालात में कोई भी देश गोटाबाया को अपने साथ नहीं रखना चाहता। लेकिन खबर है कि अब उनका इरादा सऊदी अरब जाने का है, यानी कि वो देश जहां पहले भी अपना देश छोड़कर भागे कई नेताओं को ठिकाना मिल चुका है, और अब उन नेताओं में गोटाबाया राजपक्षे का नाम भी जुड़ सकता है। पिछले कई सालों से ये खाड़ी देश उन नेताओं का घर बन गया है जो किसी न किसी वजह से अपना देश छोड़ देते हैं और भागकर सऊदी अरब पहुंच जाते हैं। यही नहीं, देश छोड़कर भागे ये नेता सालों यहां रहते हैं, जिसकी एक बड़ी वजह मानी जाती है बेहिसाब पैसा। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ को सऊदी अरब में शरण मिलने की एक बड़ी वजह मानी जाती है। कहा जाता है कि नवाज जो खुद एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने सऊदी अरब में जमकर निवेश किया था। एक और वजह यह कि सऊदी अरब में एक ही परिवार का शासन है और उन्हें जनता और विपक्ष के गुस्से का कोई डर नहीं। कहा जाता है कि इन्हीं वजहों से वहां कई भगोड़े नेताओं को शरण मिली थी, जिनमें युगांडा के तानाशाह इदी अमीन को और ट्यूनिशिया के तानाशाह बेन अली का नाम भी शामिल। इसके अलावा नवाज शरीफ को भी यही ठिकाना मिला, लेकिन राजपक्षे के मामले में एक पेच है, वो ये कि वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, जबकि बाकी सभी सुन्नी मुसलमान थे जिनका सऊदी अरब में दबदबा है। यही नहीं, उन्हें देश लौटने की उम्मीद थी, लेकिन श्रीलंका में जो हालात हैं उससे ये नहीं लगता कि गोटाबाया फिर कभी वहां लौट पाएंगे। पर समंदर में नौसेना की मदद के लिए तैयार किए जा रहे पहले स्वदेशी ड्रोन का प्रधानमंत्री के सामने ट्रायल किया गया। इस ड्रोन को समंदर में एक शिप से दूसरे शिप पर भारी सामान पहुंचाने के लिए तैयार किया गया, जिसने दिल्ली में हुए नौसेना के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के सामने अपनी ताकत दिखाई।
डेमो के दौरान वरुणा नाम के इस ड्रोन ने एक इंसान को लेकर उड़ान भरी और फिर सफल लैंडिंग भी की। इस ड्रोन को सागर डिफेंस नाम के स्टार्टअप ने नेवी के लिए तैयार किया है, जिसे पीएम ने नौसेना के आत्मनिर्भर होने की दिशा में एक अहम कदम बताया। नेवी के लिए 75 इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज का निर्माण करेंगे। दावा है कि वरुणा ड्रोन किसी इंसान को लेकर उड़ान भरने वाला देश का पहला स्वदेशी ड्रोन है, जो एक बार में 25 किलोमीटर दूरी तक उड़ान भर सकता है और ये ड्रोन अपने साथ करीब 130 किलो सामान एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकता है, जिसे ट्रायल सफल रहने के बाद नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। और ऐसा हुआ तो ये एक जहाज से दूसरे जहाज पर सामान पहुंचाने के साथ ही किसी हादसे के वक्त घायलों को ले जाने के लिए भी मददगार साबित हो सकता है। देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश का प्रकोप देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भारी बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। राहत की बारिश लोगों के लिए अब परेशानी का सबब बन चुकी है। बरसाती नदी नाले उफान पर हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के देवास से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें पुल के ऊपर से बहती हुई नदी को पार करने के चक्कर में एक ट्रैक्टर बह गया। जबकि मध्य प्रदेश के उज्जैन से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां पर बरसाती नाले में आए उफान को पार करना एक कार वाले को महंगा पड़ गया। जैसे ही उसने पुल पार करने की कोशिश की, उसकी कार पानी के तेज बहाव में जा गिरी और कुछ ही सेकेंड तक वो नहीं टिक पाई। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भी पूरी की पूरी सड़क सैलाब में समा गई। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने धमकी मिलने का आरोप लगाया। राजस्थान से बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाया कि उदयपुर में कन्हैया लाल के परिवार की मदद करने पर उन्हें धमकी मिली। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन से पूछताछ की। दिल्ली के उभार सिनेमाघर में हुए अग्निकांड के मामले में अंसल बंधुओं को कोर्ट से झटका लगा। पटियाला हाउस कोर्ट ने सिनेमाघर के मालिक सुशील अंसल और गोपाल अंसल को सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में दोषी ठहराया। दोनों की सजा पर अदालत में सुबह सुनवाई होगी। खबर है कि चीन ने ताइवान पर हमले की पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए चीन ने अपनी सेना के साथ भारी भरकम हथियारों को उत्तर से दक्षिण के इलाकों की तरफ भेजना शुरू कर दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में चीन की सेना के कई टैंक एक इलाके से गुजरते हुए दिखाई दिए। दावा किया गया कि ये टैंक चीन के उन दक्षिणी हिस्सों में भेजे गए जहां से ताइवान पर हमला करना आसान होगा। असल में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही ये डर जताया जा रहा था कि कहीं चीन भी रूस की तर्ज पर ही ताइवान पर हमला न बोल दे, क्योंकि चीन हमेशा से ही ताइवान को अपना हिस्सा बताता आया है। इसके लिए चीन ताइवान की आजादी के समर्थक अमेरिका से भी कई बार आंखें तरेड़ चुका है, क्योंकि चीन के खिलाफ ताइवान के साथ खड़ा अमेरिका कई बार दोहरा चुका है कि वो हर हाल में उसकी मदद करेगा। और दो रोज पहले ही अमेरिका ने ताइवान को मदद के तौर पर 10 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 800 करोड़ के हथियार देने का ऐलान किया था। और माना जा रहा है कि अमेरिका के इसी कदम ने चीन को और भड़का दिया। दावा किया गया कि पहले से ही ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका से चिढ़ा बैठा चीन अब हमले की तैयारी कर रहा है, क्योंकि बाइडेन की चेतावनी के बाद भी चीन ने इसी साल कई बार ताइवान की हवाई सीमा में घुसपैठ की थी। चीन के जंगी जहाजों ने कई बार ताइवान के नजदीक आकर उसे डराया था और अब तो दावा किया जा रहा है कि चीन ने अपने सैनिक और हथियार ताइवान की तरफ रवाना कर दिए, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि वो कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। और इसका डर यूक्रेन पर रूस के हमले के कुछ दिन बाद ही ताइवान के लोगों को भी हो गया था, और इसी वजह से वहां लोगों को हमले से बचने की ट्रेनिंग तक दी गई। कुछ रोज पहले ही वहां के न्यू ताइपे शहर से एक वीडियो आया था, जिसमें लोग हमले के बाद बम धमाकों से बचने के तरीके सिखाते दिखाई दिए थे। इसके साथ ही यूक्रेन की तरह ताइवान के लोगों ने भी हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। वहां से आए वीडियो में लोग सेना की यूनिफॉर्म पहनकर जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेते दिखाई दिए थे। हालांकि बाद में पता चला कि उनके पास मौजूद हथियार नकली थे, लेकिन वो चीन के हमले से निपटने की पूरी तैयारी में जुटे थे। और अब जो खबर आई उससे ये माना जा रहा है कि ताइवान के लोगों की आशंका सच ही थी। महाराष्ट्र में